गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट। योर चैप्टर नंबर 8 इज द ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। 8.8 में हम देखेंगे फाइंड आउट द स्टेट कौन कौन सा ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिन लाइज। द बेसिन एरिया हैज़ वेरी टॉपोग्राफी, द इन्वायरमेंट प्लेज अ डोमिनेट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। द माउंटेन एरियाज विथ स्टेप स्लोप्स हैव इन हॉस्पिटेबल टेरिन, देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। द प्लेन एरिया प्रोवाइड्स द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। द सॉइल इज फर्टाइल, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज वेरी हाई। द मेन क्रॉप इज पैडी, फिगर 8.9 में। सिंस कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशियंट वाटर, इट इज ग्रोन इट इज इन द एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है माउंटेन एरियाज में, स्टेप स्लॉप्स है इनहॉस्पिटेबल है, टेरेन करते हैं, देयर फॉर लेस नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं लिव करते हैं माउंटेन एरिया में ऑफ द कौन कौन से गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन पर। द प्लेन एरिया ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन, द प्लेन एरिया प्रोवाइड्स करते हैं मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। द सॉइल इज फर्टाइल एग्रीकल्चर, सॉइल फर्टाइल करते हैं एग्रीकल्चर में, मेन ऑक्यूपेशन जो होता है ऑफ द पीपल। वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज वेरी हाई। एरियाज वेर द अमाउंट रेनफॉल इज हाई, तो वीट मेज सोरगुम ग्राम एंड मिलेट्स आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन। कैश क्रॉप्स लाइक सुगर कैन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। बनाना प्लांटेशन आर सीन इन द सेम एरिया, सम एरियाज ऑफ द प्लेन इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम टी इज ग्रोन इन प्लांटेशन 8.10 में। सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वर्म्स इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड आसाम इन द माउंटेन्स एंड हिल्स। वेयर द स्लोप्स आर जेंटल क्रॉप्स आर ग्रोन इन टेरेस। तो ये जो वेट माइस सोरगम और ग्राम एंड मिलेट्स वो क्या है, अदर क्रॉप्स है देयर द ग्रोन करने में। तो कैश क्रॉप्स लाइक करते हैं सुगर कैन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन करते हैं। बनाना प्लांटेशन जो होता है वो सीन करते हैं, सम एरियाज ऑफ द प्लेन इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम टी ग्रो प्लांटेशन करते हैं। 8.10 में भी हम देख सकते हैं गार्डन है इन आसाम में किसका, टी का। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द लैंडफॉर्म्स इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। ट्रॉपिकल डेसीडियस ट्रीज ग्रो अलॉन्ग करते हैं विद टीक साल एंड पीपल। थिक बाम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन, द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो यहाँ पर बताया कि ये जो वेजिटेशन कवर करते हैं एरियाज वेरियस अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, वेरियस लैंडफॉर्म जो होता है। तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र वो प्लेन करते ट्रॉपिकल डेसीडियस में ट्रीज ग्रो करते अलॉन्ग विद द टीक साल एंड पीपल। थिक बाम्बू जो होती है वो ग्रोज करते आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन और द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट में। तो यहाँ पर बताया कि इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड एंड सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश कॉन्फेरियस ट्रीज लाइक पाइन डेवर डियोदर एंड द फायर कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप्स आर स्टेप।
तो यहाँ पर बताया है कि वो सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश है, वो कन्फेस करते हैं ट्री लाइक पाइन, दियोदर और फायर फिर को। देर इज द वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेजिन, एलिफेंट्स, टाइगर, डियर, मंकी आर कॉमन। द वन हॉर्न रिनोसर्स इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन इन द डेल्टा एरिया। बेंगल टाइगर, क्रोकोडाइल्स एंड एलिजेटर आर फाउंड। एक्वेटिक लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर्स। द लेक्स एंड द बे ऑफ बेंगाल सी द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज ऑफ द फिश आर द रोहू, कैटला एंड हिल्सा। फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया। ये तो यहाँ पर बताया कि देर इज अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है बेजिंग करते हैं, एलिफेंट्स, टाइगर एंड डियर, मंकी, वो कॉमन है। तो द होन वन हॉर्न रेन रैन कैनस जो है इज द फाउंड ब्रह्मपुत्रा में प्लान करते हैं। और इन द डेल्टा एरिया जो है बेंगल टाइगर है, क्रोकोडाइल्स है, एलिजेटर है, वो फाउंड हुआ है। तो इक्वेटिक लाइफ अबाउंड्स फ्रेश रिवर वाटर जो होता है लेक्स एंड बे ऑफ बंगाल सी में। तो यहाँ पर बताया कि वन हॉर्न यानी जो देखो एक सिंगड़े वाला जो होता है रैन कोर्स और क्रोकोडाइल्स भी यहाँ पर दिया है तो हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये भी बताया कि लेक अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड यानी लेक है क्लीन लेक यहाँ पर नाम दिया है तो वो भी आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद द गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन has several big towns and cities. The cities of Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna and Kolkata, all with the population of more than 10 lakhs, are located along the river Ganga. Figure 8.3. The wastewater from these towns and industries is discharged into the rivers. This leads to the pollution of the रिवर्स। तो यहाँ पर बताया कि जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो प्लेन्स करते हैं सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज में। द सिटीज अलाहाबाद एंड कानपुर जो है, वाराणसी, लखनऊ और पटना एंड कोलकाता जो है, ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लैक्स आर लोकेटेड यानी 10 लैक्स जो लोकेटेड करते हैं अलॉन्ग द रिवर गंगा। फिगर 8.13. द वेस्ट वाटर फ्रॉम दिस टाउन्स, वेस्ट वाटर जो है फ्रॉम दिस टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज में वो डिस्चार्ज करते हैं इन टू द रिवर्स। दिस लेड्स टू द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर्स। ऑल द फोर वेज होते ट्रांसपोर्ट के आर वेल डेवलप करते हैं इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा बेसिन में। इन द प्लेन एरियाज द रोडवेज एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द पीपल फ्रॉम द place to another. The waterways is an effective means of transport particularly along the rivers. Kolkata is an important port on the river Hooghly. The plain area also has a large number of airports. तो यहाँ पर बताया कि जो फोर वेज है ऑफ ट्रांसपोर्ट में एज वेल डेवलप करते हैं इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा बेसिन। इन द प्लेन एरियाज ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट करते हैं द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पीपल कैसे करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस में। और वाटरवेज इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलॉन्ग करते हैं रिवर्स में। कोलकाता इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट होते हैं रिवर हुगली में। इसके बाद टूरिज्म इज अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा। तो जो टूरिज्म है अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है ऑफ द बेसिन में। ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यानी ताजमहल जो है वो बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा में है, ये रिवर के किनारे पर। तो अलाहाबाद ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना। बुद्धिस्ट स्टूपास इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। लखनऊ इट्स
लंबरा आसाम विथ काजीरंगा एंड मांस विथ वाइल्ड लाइफ सैन्यूटरीज एंड अरुणाचल प्रदेश विथ डिस्टिंग ट्रिबल कल्चर आर सम ऑफ द प्लेसिस वर्थ विजिट। तो यहाँ पर बताया कि जो टूरिज्म है वो अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है बेसिन के लिए। ताजमहल वो बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा में है। अलाहाबाद ऑन द कन्फ्लुएंस रिवर जो गंगा है और यमुना है। तो बुद्धिस्ट स्तूपास है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में है। और लखनऊ विथ इटिस लंबरा आसाम विथ काजीरंगा में है। और मानस विथ वाइल्ड लाइफ है सैन्यूटरीज करते हैं। एंड अरुणाचल प्रदेश में विथ अ डिस्टिंग ट्रिबल करते हैं कल्चर आर सम ऑफ दिस प्लेसिस वर्थ अ विजिट। और वही ऐसे विजिट करते। तो ये सारा क्या है वाराणसी अलोंग द रिवर गंगा, यहाँ पर ये पिक्चर में भी बताया है। और यहाँ पर ये टाइगर है इन अ मानस वाइल्ड लाइफ है सैनिटरी में। और यहाँ पर ये भी एक पॉल्यूटेड लेक है, ये वो भी ये पिक्चर में